बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सात पायन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सीनियर केजी। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई एम योर जीके टीचर एंड टुडे यू हैव टू कंप्लीट योर वर्कशीट नंबर 4। Okay students, so as you know, this is our review week and this week we are doing the revision of all the work that we have already done. तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा रिव्यू वीक है एंड इस वीक में हम उस तमाम वर्क का रिवीजन कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं एंड दिस इज़ योर रिवीजन वर्कशीट 4 एंड दिस वर्कशीट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ and I am just explaining this worksheet to make it easy for you to complete this worksheet. और ये आपकी revision worksheet 4 है जो कि आपको ख़ुद से complete करनी है, लेकिन मैं इसे just explain कर रही हूँ ताकि इसे complete करना आप लोगों के लिए easy हो जाए. So let's begin. First of all, write here your name. Now mention here today's date. Okay, now look at the question number 1. See the picture and write the name of weathers and color it. Okay, so now what you have to do, as you can see here, some pictures are given and these are the pictures in which weathers are shown. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ pictures गिवन है एंड हर एक पिक्चर में हमें एक वेदर शो किया गया है एंड वी हैव टू लुक एट द ईच पिक्चर देन वी हैव टू से दैट विच वेदर इज़ शोन इन दिस पिक्चर देन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट वेदर इन दिस बॉक्स. तो हमें क्या करना है, हमें हर एक पिक्चर को देखना है फिर हमें बताना है कि इस पिक्चर में हमें कौन सा वेदर शो किया गया है और जो वेदर भी हमें पिक्चर में दिखाया गया होगा हमें उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इस वेदर का क्या नेम है. देन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द वेदर इन द बॉक्स. उसके बाद हमें बॉक्स में उस वेदर का नेम लिखना है. ओके, सो नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर सन इज़ शोन. सो नाउ यू हैव टू राइट इन द बॉक्स दैट विच वेदर इज़ दिस. तो इस पिक्चर में हमें सन दिखाया गया है तो अब आपको बताना है कि ये कौन सा वेदर है और आपको उसका नेम बॉक्स में लिखना है. इन दिस पिक्चर रेन इज़ शोन. सो नाउ यू हैव टू से दैट विच वेदर इज़ दिस देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस वेदर इन द बॉक्स. तो अब आपको बताना है कि इस वेदर में हमें रेन दिखाई गई है तो ये कौन सा वेदर है और आपको इसका नेम बॉक्स में लिखना है. एंड इन दिस पिक्चर क्लाउड्स आर शोन. और इस पिक्चर में हमें क्लाउड्स दिखाए गए हैं सो नाउ यू हैव टू से दैट विच वेदर इज़ दिस एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस वेदर इन दिस बॉक्स. तो आपको बताना है कि ये वेदर कौन सा है और इसका नेम आपको बॉक्स में लिखना है. इन दिस पिक्चर स्नो फ्लैग इज़ शोन. सो नाउ यू हैव टू से दैट विच वेदर इज़ दिस and you have to write the name of this weather in the box. तो आपको इस पिक्चर को देख के बताना है कि ये कौन सा वेदर है और आपको इसका नेम यहाँ पे बॉक्स में लिखना है. सो आफ्टर राइटिंग द नेम्स ऑफ द वेदर्स यू हैव टू कलर दीज पिक्चर्स. तो इन वेदर्स के नेम्स लिखने के बाद आपको इन पिक्चर्स में कलर करना है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. राइट प्रोफेशंस नेम्स 2 times each and color. So as you can see here, some pictures of professions are given. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ professions की pictures given हैं and we have to write the names of these professions 2 times in these blanks. और हमें इन professions के names लिखने हैं 2 times, यानी कि 2 दफ़ा इन boxes में. फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस प्रोफेशन इन दिस ब्लैंक. सबसे पहले आपको इस प्रोफेशन का नेम इस ब्लैंक में लिखना है देन यू हैव टू री राइट द नेम ऑफ दिस प्रोफेशन इन दिस सेकेंड ब्लैंक. और उसके बाद आपको इस प्रोफेशन का नेम दोबारा से लिखना है इस ब्लैंक में
एंड द सेम थिंग यू हैव टू डू विद द अदर टू प्रोफेशंस. और बिल्कुल इसी तरह से आपको इन दोनों प्रोफेशंस में भी करना है कि आपको इनके नेम्स टू टाइम्स लिखने हैं. सो डू यू रिमेंबर व्हाट आर प्रोफेशंस? तो क्या आपको याद है कि प्रोफेशंस क्या होते हैं? प्रोफेशंस आर लाइक डॉक्टर, लॉयर एंड बिजनेसमैन. सो हेयर सम प्रोफेशंस आर गिवन एंड यू हैव टू राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे कुछ आपको प्रोफेशंस गिवन हैं और आपको इनके नेम्स ब्लैंक्स में लिखने हैं. एंड आफ्टर राइटिंग द नेम्स ऑफ द प्रोफेशंस यू हैव टू कलर दीज पिक्चर्स. और प्रोफेशंस के नेम्स लिखने के बाद आपको इन पिक्चर्स में कलर करना है. ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस रिवीजन वर्कशीट एंड यू हैव टू डू योर वर्क वेरी नीट एंड क्लीन. So take care of yourself, my students. Stay at home, stay safe, and keep healthy. Allah Hafiz.